मैं हूं अमित और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस इलेक्ट्रिक प्राइस के क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके पावर कंट्रोलर से। तो यहां पर आपको एक ग्रीन लाइट है और एक रेड लाइट है। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी, जैसे आप इसे इसका प्लग इन करेंगे स्विच से और ऑन करेंगे, तो इसका जो फीचर्स है ग्रीन लाइट का, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ये इंडिकेट करेगा कि आपके फायर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। और उसके बाद जैसे ही आप इस थर्मोस्टेट से टेम्परेचर सेट करेंगे, जैसे आप टेम्परेचर यहाँ से सेट करेंगे, आपको जो भी टेम्परेचर चाहिए 120, 100, जैसे आप सेट करेंगे, उसके थोड़ी देर बाद ये आपकी ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी और उसके बाद सिर्फ रेड लाइट ऑन हो जाएगी। जैसे ही टेम्परेचर इसका 120 जो आपने सेलेक्ट किया है या 100 सेलेक्ट किया है, जैसे ही वो 120 पे पहुंचेगी, तो ऑटोमेटिकली रेड लाइट ऑफ हो जाएगी और उसके बाद ऑन हो जाएगी। जैसे आपका टेम्परेचर टच कर लेगा 120 को, ये रेड लाइट ऑफ हो जाएगी और ग्रीन लाइट शो करेगी। और उसके बाद यहाँ पर आपके कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं। यहाँ पर फ्राइंग टेम्परेचर, फ्रेंच फ्राइज आप फ्राई कर सकते हो 143°C पे, चिकन विंग्स है 179 पे, फिश है 179 पे, स्टिक्स है 179 पे। उसके अकॉर्डिंग आप समोसा, ब्रेड, पकोड़ा, टिक्की और बहुत सारे जो भी फ्राई करने के लिए इक्विपमेंट होते हैं, जैसे फ्राइड मोमोज, तो आप उन सबको फ्राई कर सकते हैं इस फ्रायर में। और यहाँ पर ये आपको टेम्परेचर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है ये 100 है, ये वाइट कलर की नोज पे, ये 120, ये 140। उसके बाद इसके इंटरनल फीचर्स पे आते हैं। ये पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, आपको जस्ट यहाँ से ही इसका ये नॉब है, आप इसको यहाँ से उठा देंगे और इसके अंदर फिर आपकी ये बास्केट है यहाँ पर, और इस बास्केट को आप यहाँ से निकालेंगे। ये इसके हैंडल हैं और इसके बाद ये इसका पेंस है, अंदर के फीचर्स। तो यहाँ से आप इसके हैंडल को एडजस्ट कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसके हैंडल को सेट करेंगे। आपको सिर्फ इसे यूँ प्रेस करना है, इस तरीके से प्रेस करो और इसको ये इसको यूँ प्रेस करने के बाद इसके अंदर पुट कर दो। और इसके बाद इसके नीचे फीचर्स हैं जो आपको नहीं दिखाई देंगे, उसके अंदर प्रेस करके आप सेट कर देंगे। तो ये इसके अंदर फीचर्स हैं, अब मैंने इसे सेट कर दिया। आप ये देखिए इसे कितनी इजीली आप कैरी कर सकते हैं हैंडल से। और ये आपको इस तरीके से आप इसमें अपना ऑयल पुट कर सकते हैं। ऑयल पुट करने के बाद आपकी ऑयल की ज़्यादा ऑयल ना निकले, तो आप यहाँ पर स्टैंड पे कुछ देर के लिए इसे रख सकते हैं। ये आपका स्टैंड है यहाँ पर, ये स्टैंड है, आप यहाँ पर रख सकते हैं। और जैसे ही आपका ऑयल नीचे चला जाए, आप इसको यूँ निकाल के या जो भी आपका स्टोरेज एरिया है वहाँ पर आप इस तरीके से इसे रख सकते हैं। इस तरह के एक और मेन फंक्शन है जो आपको यूज़ करना है कि इसमें जब तक ऑयल फिल ना करें फ्रायर को ऑन नहीं करना है, और जैसे ही आप यूज़ कर लें उसके बाद इसे ऑफ कर दीजिए। और ये पूरी की पूरी बॉडी आपको मैं दिखाता हूँ इसकी। ये सिंगल इलेक्ट्रिक फ्रायर है, और अभी इस वीडियो के एंड में आपको इसके प्राइस भी मेंशन होंगे और इसकी और भी फीचर्स प्रोसेसर के साथ। ये देखिए, ये इसके साथ आपके बास्केट है, ये इसका ये जो वायर है, ये इसका स्विच है, ये आपको मैंने फुल्ली दिखा दिया। और आप इसे ईजली क्लीन भी कर सकते हैं, तो अगर इसमें ऑयल या कुछ आता है तो आपको सिर्फ ये जो मेरा हाथ है इसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ से उठा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से उठा लिया है, आप यहाँ से इसे निकाल सकते हैं। तो ईजली ये रिमूवेबल है, और आपके पैन का जब ऑयल एक्स्ट्रा हो गया या ये यूज़ में ला सकते हैं, आप इसे कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसका ये है, और इसको आपको ईजली सेट करना है तो ये देखिए, इसे आप उठाइए
और इजीली आप इसे पुट कर दीजिए। और ये देखिए, ये इसके स्विच है, ये देखिए, ये जो एरिया है ये देखिए, आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं और इजीली अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। और अब इसके प्राइस, यहाँ पर मॉडल नंबर है इसका CS81, इसकी पावर है 2.5 किलोवाट, कॉन्फ़िगरेशन 1 टैंक 1 बास्केट, कैपेसिटी 6 लीटर, डायमेंशन 310 470 330, नेट विथ 5 kg, कलर स्टेनलेस की, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन मिल चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोज रिलेटेड टू कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस आवर फोन नंबर 9717463679।